बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त और मजे के ये चावल बनते हैं। ये बिरयानी से भी ज्यादा मजे के बनते हैं, क्योंकि बिरयानी में हम चावलों को पानी में बॉइल करते हैं, लेकिन जब हम बिरयानी पुलाव तैयार करते हैं तो इसमें हम चावलों को यहीं पकाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाते हैं। चिकन यानी पुलाव बनाने के लिए 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर एक बास्केट में डाल दिया है ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें गोश्त को डाल देंगे। एक लीटर पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। दो दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और दो तेजपात के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। वन टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस चिकन को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब एक दूसरे पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी ये चावल तैयार हो जाते हैं। चिकन बिरयानी पुलाव बनाने के लिए एक पैन में हमने चिकन डाला है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है, और दूसरे में हम चावलों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। जब चिकन उबलने लगे तो हम एक चमचे की मदद से ऊपर से जो हल्की हल्की सी मैल सी आ जाती है, झाग सी, वो उतारते जाएंगे। 1 से 2 बार तकरीबन उतारेंगे तो बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। और उसको हिला भी देंगे ताकि सारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को हमने 80% बॉईल करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा डार्क हम इनको नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर आधा कप पानी डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, और जीरा, साबुत जीरा लिया है, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे। साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून और 4 से 5 लौंग हमने इसमें ऐड किए हैं। 3 अदर टमाटर हमने लिए हैं, इनको हम काट कर नहीं डालेंगे, इनको हम ग्राइंड करके डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 हैं, बड़े साइज़ की हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को हम ग्राइंड करके इसमें शामिल करेंगे। बिरयानी में टमाटर काट के डालने चाहिए क्योंकि इसमें वो प्यारे लगते हैं। और पुलाव बनाने के लिए कोशिश करें कि चावलों में टमाटर ग्राइंड करके डाले जाएं। दो मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, पानी खुश्क हो जाए। चिकन 80% कुक हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। चावल जब तैयार हो जाते हैं तो इसमें बोटी को अच्छी तरह से गली हुई तो होना चाहिए, लेकिन बोटियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चिकन को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। मसाला हमारा रेडी है, अच्छी तरह से भुन चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे जो हमने पुलाव बनाने के लिए तैयार किया है।
चिकन को 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर देंगे और दही डालकर भी हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा जायका बन जाए और पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हो। अब यहनी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। चावलों के हिसाब से आप इसको मेजरमेंट कर लें, अगर कम हो तो थोड़ा पानी ऐड करें और इसको भुने हुए चिकन में डाल दें। यहनी भी चूँकि गर्म ही थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहनी डालते ही पानी उबलने लगेगा और साथ ही हम चावल शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट ये पुलाव तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। एक स्पैचुला की मदद से इसको हम हिला देंगे ताकि सारे चावल अच्छी तरह से तवे में बैठ जाएं और कच्चे ना रहें। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा चावलों को मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रखेंगे। किसी कपड़े वगैरह से भी आप इसको दम दे सकते हैं और कपड़े के बगैर भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बरी कटे हुए सलाद और रायते के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का बहुत ही याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।